श्री सावन जोत सभा की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 10 अगस्त को श्री सावन जोत सभा की ओर से निकाले जाने वाली शोभा यात्रा के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। श्री सावन जोत सभा के प्रधान किशोर नागपाल ने बताया कि इस बार विशाल सावन ज्योति यात्रा भी श्री सनातन धर्म मंदिर कुंजपुरा रोड से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरेगी और श्री सेवा समिति आश्रम अर्जुन गेट में विश्राम करेगी। इसके बाद यात्रा सीधी हरिद्वार जाएगी, वहां से सावन ज्योत को लेकर हर वर्ष की तरह वापस करनाल पहुंचेगी। इस अवसर पर श्री सावन ज्योत सभा के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से श्री सावन ज्योत सभा धार्मिक कार्यों के साथ साथ हरिद्वार के लिए जोत लेकर जाते हैं, जिसके साथ शहर के गणमान्य व्यक्ति भी हरिद्वार में पहुंचते हैं और धर्म लाभ प्राप्त करते हैं। किशोर नागपाल ने बताया कि शोभा यात्रा में करनाल के सांसद संजय भाटिया मुख्य रूप से शिरकत करेंगे और शोभा यात्रा को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि श्री सावन ज्योत सभा हर वर्ष कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसमें शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं धार्मिक संस्थाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती है। सावन ज्योत सभा जो हर साल की भांति इस साल भी बड़े जोश और अपना 21वां सावन ज्योत महोत्सव मना रही है, और अपना जिसमें हम करनाल से शोभा यात्रा 10 अगस्त की है, सनातन धर्म मंदिर से 6 बजे स्टार्ट होगी, जो शहर की परिक्रमा करते हुए अपना रात्रि अर्जुन गेट सेवा समिति में विश्राम लेगी, और अगले दिन 11 अगस्त को भजनगढ़ भीमगोड्डा से 6 बजे शोभा यात्रा स्टार्ट होगी, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि उत्तराखंड के स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल जी होंगे और करनाल में संजय भाटिया जी हैं, जगमोहन आनंद जी हैं और भी नेता आ रहे हैं। जो सभा हर साल बड़े उल्लास से बड़े गौरव से ये सभा का आयोजन किया जाता है, और इस आयोजन में सारा शहर आपस में मिलजुल कर इस आयोजन को सफल बनाता है, और इस आयोजन को मनाने के लिए बहुत तैयारियां जो हमारे किशोर हमारे प्रधान जी हैं नागपाल जी, ये हम सब मिलजुल कर तैयारी कर रहे हैं और इस आयोजन को बहुत अच्छा बनाएंगे, जो सारे हमारे शहर का गौरव है सावन जासू अपना सावन जो सभा का। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पिछले 21 वर्षों से हमारी करनाल की सावन जोत जो करनाल से चलकर हरिद्वार पहुँचती है, इस दफा 10 अगस्त को हमारे करनाल शोभा यात्रा का प्रोग्राम बनने जा रहा है, जिसके प्रधान अब हमारे श्री किशोर नागपाल जी बने हैं, और मैं चाहता हूं कि ये संस्था को सही ढंग से पूर्ण करें। धन्यवाद। करनाल में सावन ज्योत का प्रोग्राम बना है, जिसके हमारे प्रधान किशोर नागपाल जी को बनाया गया है, और हमें उम्मीद है कि ये जो हमारी संस्था है इसको बड़े जोर शोर से और दिल लगा के इसको चलाएंगे, और ये सारे फले फूलेगी और सावन ज्योत का जो प्रोग्राम है हम हर साल मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। इनकी छत्र छाया के नीचे हमें उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी तरीके